हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीडी ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है। सब चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में, तो बने रहिए आखिर तक। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं बहुत कुछ, जैसे कि मैं भूल ले जाऊँ लेकिन मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि इस वीडियो के बाद और भी वीडियो आएंगी। बट मेरे बर्थडे के दिन 22 तारीख, 5वां महीना और 2022 को मेरा बर्थडे है, उस दिन एक स्पेशल वीडियो आ रही, धमाकेदार वीडियो आ रही, जो कि है आइसर कंपनी के बारे में। आइसर कंपनी के बारे में ऑल अबाउट डिस्कशन कर चुके हैं, बना दिए वीडियो, डल गई है वीडियो, प्रीमियम होगी वो 22 तारीख को। तो आज हम ग्रुप डिस्कशन के बारे में बता के चलें, बात करेंगे। तो यार देखो, एक चीज़ बता दूं आपको कि ग्रुप डिस्कशन में कंपनी क्या पूछती है, ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या टॉपिक होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, वो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। बट एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि कोई सी भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें देखो, एक तो मेहनत तो लगती है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद एडिटिंग करने में टाइम लगता है और टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद वीडियो की क्वालिटी अच्छी देने के लिए हमको नेट भी देना पड़ता है और थोड़ा बहुत परिवार की सुननी भी पड़ती है, दोस्तों की भी सुननी पड़ती, सब कुछ सुननी, उसको हटाने के बाद हम आपके लिए इतनी वीडियो ला रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के शेयर करें, थैंक यू। बस इतना ही, आज हम बात करते हैं कंपनियां जीडी क्यों लेती है, जो एचआर राउंड रहता है, एचआर लोग आते हैं वो जीडी क्यों कराते हैं। वो जीडी इसलिए कराते हैं ताकि वो एक टैलेंट निकाल सकें, मतलब कि बंदा कितना कम्युनिकेट कर सकता है सबसे, कितना उसके अंदर नॉलेज है, कितना सोशल नॉलेज है। हमें सोशल मीडिया से नहीं है, मीडिया से नहीं है कि रियाज के कितने फैन फॉलोइंग है, फलाना ढिकाना है ना, सोशल से मतलब है ये आसपास क्या चल रहा है, टीवी पे न्यूज़ क्या चल रही है, हिंदू मुस्लिम की न्यूज़ नहीं, आई मीन जो भी है अदरवाइज है ना। तो ये सब पूछती हैं कंपनियां, इसलिए वो देखती हैं कि बंदा कितना टैलेंटेड है, कितना सोशल इन्फॉर्मर है, कितने अच्छे से वे से बोलता है, कितना कॉन्फिडेंट लगता है वो, है ना। तो ये सब इसलिए वो जीडी राउंड कराती है ताकि एक हिडन टैलेंट निकाल सके वो। हाँ, तो अब जीडी में क्या क्या पूछती हैं। जीडी में सबसे पहले तो कंपनियां, पहले तो एक बात पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, जीडी हिंदी या इंग्लिश दोनों में होता है। अब वो एचआर के ऊपर है, वो आपको क्या दे रहा है, हिंदी में बोलने को दे रहा है या इंग्लिश में बोलने को दे रहा है। हाँ, तो जीडी में क्या क्या होता है और कैसे करते हैं, ठीक है। जीडी में टॉपिक दिए जाते हैं आपको, आपके ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, दैट मीन्स ग्रुप डिस्कशन है ना, 8-8, 5-5, 10-10 के ग्रुप बना दिए जाएंगे और आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको डिबेट करनी है, डिस्कस भी करने को दे सकते हैं, डिबेट भी दे सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक पे आपको डिबेट करनी है, डिबेट में क्या करना है आपको, आपको अपना अपना पक्ष रखना है, अपना अपना सुझाव रखना है, ठीक है। 15-14 मिनट का ये डिबेट होती है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि 5-10 मिनट में तो डिबेट हो नहीं सकती ना, 8-8 जन, 6-6 जन एक एक टीम में रहते हैं, एक एक ग्रुप में रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनको ये मैनेज करना होता है, ठीक है। अब टॉपिक किस प्रकार के रहते हैं, ठीक है, तो आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे वो होंगे कुछ इस प्रकार के, जैसे कि आपको डिबेट टाइप का दे दिया जाए, लाइक लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। अब एक पक्ष को चुनना है, मैंने लव मैरिज ले ली, एक ने बोला कि हमने अरेंज मैरिज, अब डिबेट करना है विच इज़ बेटर, थैंक देन आपसे पूछ सकते हैं कि चलो कोई से ट्रेंडिंग न्यूज, जस्ट लाइक रसिया यूक्रेन वॉर, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक अलग से आपको टॉपिक दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग, ठीक है। एंड आपके सोशल मीडिया पे दे सकते हैं कि सोशल मीडिया से क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, इफेक्ट ऑन इफेक्ट वाय सोशल मीडिया ऑन यूथ, एंड बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सा आपको जानना है चीज़ें, ऐसा नहीं कि पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको माइनर सा भी नॉलेज है, मतलब इतना है कि आप बोल सकते हो,
दैट मीन्स यू हैव टू क्लियर योर जीडी, है ना। तो ये सब होना चाहिए। और कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे OTT प्लेटफॉर्म वर्सेस थिएटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वेब सीरीज, कुछ भी, मतलब कोविड जैसे भी ट्रेंडिंग न्यूज, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चलती है, जैसे लाइक कोरोना, COVID-19, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट है, 5G आ रहा है उससे क्या इम्पैक्ट है, क्या फायदे हैं, दैट्स ऑल। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं कि आपको GD में करना क्या होता है, मेन पॉइंट जैसे आपको डिस्कस करना है, तो आपकी टीम बोल रही ना, आपके दिमाग में थोड़ा तो क्लिक होएगा कि भाई क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, तो आपको बोलना है, चुप नहीं रहना, हाँ हाँ नहीं करना है, सही है, सही, ऐसे नहीं करना है ना। तो समझ गए आप, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, हाँ ये कर लो पहले। ठीक है ना। तो ये बात हो गई, इसके बाद इंडियन एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है वही। अब आपको ये पॉइंट है कि आपको निकलना कैसे है GD में, क्या करना है आपको GD में। तो GD में जैसे कोई से टॉपिक चल रहा है तो आपको उसकी बात काटनी, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, जैसे हमारे टाइम पे टॉपिक ये था कि अगर राम भगवान वनवास नहीं जाते तो क्या होता। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। तो किसी ने बोला कि रावण नहीं मरता, पाप खत्म नहीं होता, ये नहीं होता, सीता जी हैरान नहीं होती, और दुष्टों का अंत नहीं होता, विभीषण को वो नहीं मिलता, और सुग्रीव को उसका राजपाट नहीं मिलता, फलाना ढिकाना। बट मैंने बोला कि अगर राम जी वनवास नहीं जाते, देखो पाप तो वैसे भी खत्म नहीं हुआ था, कृष्ण जी को जन्म लेना पड़ा था, है ना। तो मैंने बोला था, उधर बात उसकी काटी मैंने, मैंने उसको सर को बोला, HR को, कि अगर राम वनवास नहीं जाते तो उनके पिता की मृत्यु नहीं होती, जो कि एक श्रापित थी श्रवण कुमार ने दी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दैट द पॉइंट। हाँ, तो आपको बात काटनी है दूसरे बंदे की, तब आप अलग ही देखोगे, है ना। वो थोड़ा जोर से और थोड़ा कॉन्फिडेंटली, हाउ कैन यू से दैट, दैट्स अबाउट इट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो सारे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टाइम लगता है, बहुत नेट लगता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखा करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं चैनल की, इंस्टाग्राम की नहीं दिए, है ना, बहुत सारे चैनल की लिंक्स दी हुई हैं और बहुत सारी वीडियोस की लिंक दी हैं। और 22 तारीख को मेरे बर्थडे के दिन आ रही आई सर की वीडियो, और भी वीडियो आएंगी, ग्रुप डिस्कशन की आई, आगे और भी वीडियो आएंगे। तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thanks!